ध्यान क्यों करें? जीवन में कुछ चीज़ें हैं जो साधन नहीं साध्य है, और बहुत चीज़ें हैं जो साधन है साध्य नहीं। पूछा जा सकता है कि मैं धन क्यों अर्जित करूं? नहीं पूछा जा सकता कि मैं ध्यान क्यों करूं? क्योंकि धन साधन है। क्यों का उत्तर हो सकता है, धन की कोई उपयोगिता है? ध्यान की कोई उपयोगिता नहीं है। ध्यान अपने आप में साध्य है, जैसे प्रेम। कोई पूछे कि मैं प्रेम क्यों करूं, क्या उत्तर होगा? प्रेम क्यों का पर्सन ही नहीं, हेतु की बात ही नहीं, अंतर्भाव है, जैसे फूल में सुगंध है। क्यों की कोई बात ही नहीं, ऐसे हृदय का फूल खिलता है तो प्रेम की सुगंध उठती है। नहीं पूछा जा सकता कि जीवन क्यों। सरल होगा सोचना कि जब दुख होता है तो तुम पूछ सकते हो क्या कारण है, लेकिन जब आनंद होता है तो तुम ना तो पूछते हो ना तुम पूछ सकते हो कि आनंद क्यों, कारण क्या है। जब तुम बीमार होते हो जरूर चिकित्सक के पास जाते हो, पूछते हो बीमारी का कारण क्या है, लेकिन जब तुम सोचते होते हो तब कभी गए हो चिकित्सक के पास पूछने के लिए कि मेरे स्वास्थ्य का कारण क्या है? क्यों नहीं, स्वास्थ्य का कोई कारण नहीं है। स्वास्थ्य बड़ा प्यार शब्द है, इसका अर्थ है स्वयं स्थित हो जाना, स्वयं में ठहर गए, जो था त्यों ठहराया, इसके पार कुछ भी नहीं, कोई मंजिल नहीं। मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं है, मोहब्बत मौज है, साहिल नहीं है। जो पूछे कि मोहब्बत की मंजिल क्या है, उसने मोहब्बत को समझा ही नहीं है। और ध्यान परमात्मा से प्रेम का नाम है, ध्यान अर्थात प्रेम का अंतिम शिखर। किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाए तो प्रेम, और इस विराट अस्तित्व से प्रेम हो जाए तो ध्यान। चाहे उसे प्रार्थना कहो, चाहे उसे पूजा कहो, चाहे उसे प्रेम कहो, चाहे उसे ध्यान कहो, शब्दों का ही भेद है। प्रेम में अहंकार खो जाता है। दो व्यक्तियों में भी प्रेम हो जाए तो उनके बीच कोई अहंकार का टकराव नहीं रह जाता। और जब व्यक्ति का अनंत से प्रेम होता है, समस्त से प्रेम होता है, समग्र से, तो फिर कहाँ अहंकार। जैसे बूंद खो जाती है सागर में, ऐसा व्यक्ति खो जाता है। मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं है, मोहब्बत मौज है, साहिल नहीं है। तुम पूछते हो ध्यान क्यों, तुम ध्यान का अर्थ ही ना समझे। ध्यान कोई वस्तु नहीं है, ध्यान तुम्हारा स्वस्थ है। ध्यान कोई बीमारी नहीं है, कोई भी बहाना हो ये सब बहाने हैं। ध्यान, प्रार्थना, पूजा, अर्चना सब बहाने हैं। निमित्त डूबना है, डुबकी मारनी है, और ऐसी कि फिर लौटने की कोई जगह बाकी ना रह जाए। डुबकी ऐसी कि डूबने वाला तिर हो ही तो जाए। रामकृष्ण कहते थे समुद्र के तट पर मेला लगा था, किनारे पर खड़े लोगों में विवाद हो गया। बड़े पंडित, बड़े पुरोहित, बड़े ज्ञानी मेले में इकट्ठे थे। अजीब है दुनिया, मेले के झमेले में पंडित पुरोहित साधु संत किस लिए पूछ जाते हैं? कुंभ का मेला देखा, साधुओं की कतारें चली आती हैं, संतों के अखाड़े। पहली तो बात, संतों का अखाड़ा पहलवानों का अखाड़ा हो तो समझ में आता है, संतों का अखाड़ा जैसे कुछ मारकाट होनी है और मारकाट हो भी जाती है, अखाड़े अखाड़े से जूझ जाते हैं, इसी बात पर जूझ जाते हैं कि कौन पहले स्नान करेगा। भाले उठ जाते हैं, ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये साधु संत नहीं है, नहीं तो साधु संत को मेले और झमेले से क्या लेना। वे तो जहाँ है वही परमात्मा है। वह कुंभ का मेला जाएगा किस लिए, किस कारण से? लेकिन मेले में पाखंडी, धोखेबाज, थोथे लोगों की भीड़ हो जाती है, उस मेले में भी रही होगी। रामकृष्ण कहते कि उनमें बड़ा वाद विवाद छिड़ा पंडितों में,
कि सागर की गहराई कितनी है। पंडितों में जिस चीज़ पर विवाद ना छिड़ जाए, मुश्किल है ऐसी चीज़ पाना जिस पर विवाद ना छिड़ जाए। हर किसी चीज़ पर विवाद छिड़ जाता है। पंडित तो विवाद को आतुर है, विवाद भी लड़ने का एक ढंग है। अब तलवारें नहीं उठती तो तर्क उठ जाते हैं। बात वही है, काटनी है गर्दन दूसरे की, तलवार से काटो कि तर्क से काटो, हिंसा ही है। नए ढंग में निकली, सूक्ष्म रूप में निकली, और मज़ा ऐसा कि जिस सागर में तुम उतरे ही नहीं, किनारे खड़े हो, उसकी गहराई का पता कैसे पा सकोगे? क्या उपाय होगा पता पाने का? रामकृष्ण ये कहानी बहुत बार दोहराई है कि दो नमक के पुतले भी भीड़ भाड़ देख कर आ गए थे मेले में। उन्होंने यह विवाद सुना, उन्होंने कहा, रुको हम अभी पता लगा कर आते हैं। यूँ कैसे तय होगा? तट पर बैठे बैठे सागर की गहराई कैसे मापोगे? हम जाते हैं, डुबकी मारते हैं, अभी लौट कर आते हैं। दोनों नमक के पुतलों ने डुबकी मार दी। प्रतीक्षा करते रहे लोग। मेला चला महीनों, उजड़ा, लोग विदा भी हो गए, पुतले नहीं लौटे, सो नहीं लौटे, लौट भी नहीं सकते, नमक के पुतले थे, सागर में लीन हो गए, सागर से ही बने थे, नमक के थे, सो सागर से ही बने थे, सागर का ही अंग थे, सागर में ही विलीन हो गए। था तो मिली, मगर जो लेने चला था वह खो गया, लौट कर कोई आया नहीं कहने। कुछ थे जो किनारे पर खड़े रहे, वे तो बचे, लेकिन उन्हें था ना मिली। विवाद तो बहुत चला, शब्दों के जाल रचे गए, लेकिन गहराई का कोई पता कैसे चले? जिसको गहराई का पता चला वह खुद ही खो गया। बहाना है खो जाने का, बहाना है उस परम प्यारे को पाने का। एक ओंकार सतनाम वह जो एक है, नाम कुछ भी दो, ओंकार कहो, अल्लाह कहो, राम कहो, रहीम कहो, रहमान कहो, जो मौज हो सो हो, लेकिन उस एक के साथ एक हो जाना है, तलीन हो जाना है, और तुम इस तलीनता के सिवाय मरीज को आराम नहीं आ सकता। मत पूछो कि ध्यान क्यों करूं, यह भाषा बाजार की है, दुकान की है, यह चीज़ क्यों खरीदूं, यह भाषा प्रेम की नहीं है, यह भाषा संन्यास की नहीं है। ध्यान तो अपने आप में साध्य है, डूबो तो जान पाओगे क्यों, मगर अगर पहले से पूछा क्यों तो डूब ही ना पाओगे। इस सारे सिस्टम में क्यों का कोई उत्तर ही नहीं है। गुलाब के फूल सुंदर है क्यों, और तारों के साथ रात रानी महक उठी है क्यों, और सुबह सूरज उगा है क्यों। असिस्तव कोई पहेली नहीं है कि सुलझा लो, असिस्तव एक रहस्य है जिसे जीना है, और जिसने प्रश्न उठाए वह दर्शन शास्त्र की व्यर्थ की पहेलियों में खो जाता है। प्रश्न छोड़ो, निष्प्रश्न हो जाओ। निष्प्रश्न होना भी ध्यान है। न कोई विचार रहेगा तो प्रश्न कहाँ रह जाएंगे? जहाँ विचार नहीं, जहाँ प्रश्न नहीं, जहाँ उपापो नहीं, जहाँ वासना नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, वही स्वास्थ्य है, परम स्वास्थ्य है। जू का त्यों ठहराया, जू था त्यों ठहराया, बस उस जगह ठहरे कि आनंद है, महोत्सव है।